नमस्कार मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया आइए आज की खबरों को देखते हैं राजस्थान में ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा दक्षिण अफ्रीका से लौटे चार लोग पॉजिटिव जिन बारह रिश्तेदारों से मिले उनमें बच्चे समेत पांच संक्रमित हैं कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री हो चुकी है दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का पहला केस मिलने के नौ दिन बाद ही गुरुवार को कर्नाटक में इस वेरिएंट के दो केस सामने आए हैं इधर राजस्थान में भी चिंता बढ़ गई है प्रदेश में सात दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के चार लोग पॉजिटिव आए हैं इनमें दंपति समेत उनकी दो बच्चियां पॉजिटिव मिले हैं चिंता यह है कि वे आदर्श नगर में जिन बारह रिश्तेदारों से मिले उनमें से भी पांच लोग पॉजिटिव आए हैं इनमें एक सोलह साल का बच्चा भी है सभी को ओमिक्रोन का संग्त मानते हुए क्वारंटाइन किया गया है अब जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल लिए गए हैं रिपोर्ट आने पर ही पता चल सकेगा कि इनमें ओमिक्रोन है या नहीं राहत यह है कि बच्चों को छोड़कर सभी वयस्कों को टीके की दोनों डोज लगी है उनमें कोरोना के लक्षण नहीं है और हालत भी गंभीर नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अध्यक्ष अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि द अफ्रीका से लौटे परिवार को ओमिक्रोन का संगीत मानते हुए अस्पताल में इलाज किया जा रहा है बता दें कि यह परिवार 25 नवंबर को अफ्रीका से लौटा था इसके बाद आदर्श नगर में रिश्तेदारों से मिला था बुधवार को आदर्श नगर में रहने वाले परिवार का एक व्यक्ति संक्रमित आया फिर सभी की जांच की गई इधर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है नवंबर में करीब तीन केस अब तक आ चुके हैं इनमें जयपुर सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है वहीं लगातार बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं गुरुवार को भी एक पॉजिटिव केस सामने आए थे तो आज के लिए इतना ही आगे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ धन्यवाद